जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि SSGD जो फाइनल मेड की डेट है वो 20 तारीख है, यानी 20 जनवरी से पहले पहले या उसके एक दो दिन आसपास में फाइनल मेड आने वाली है। साथ ही कई दोस्तों के एक क्वेश्चन बढ़ गए हैं कि सर, अब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसमें जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है वो कैसे बनाएं। बाकी सभी सर्टिफिकेट तो आप सभी के पास है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, उसके क्या क्या प्रोसेस है, तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली मैं उसी टॉपिक पे बना रहा हूँ। साथ ही बता दूँ, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहत अकेडमी है, जितने भी मेरे चाहने वाले जो दोस्त इधर प्यार दिया, मैं चाहता हूँ कि उधर भी आपका प्यार बना रहे, वो अपने छोटे भाइयों में या जो भी तैयारी करें उनमें वो चैनल ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बात करते हैं कि उस समय आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कैसे बनाना है, क्या करना है। सबसे पहले तो दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं, एक तो होता है जो पुलिस वेरीफाइड करता, एक होता है जो SDM या तहसीलदार वेरीफाइड करता। इस प्रकार SDM, जहाँ पर SDM अवेलेबल है तो वहाँ पर SDM ही वेरीफाइड करते हैं। दोस्तों, तो ये दो प्रकार के आते हैं, ये हमारे टाइम में ज्वाइनिंग लेटर के साथ आए थे, तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ इनका आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले उनकी आप एक एक टू कॉपी करवा लेना दोस्तों, सबसे पहले आपका काम है उनकी एक एक टू कॉपी करवा लेना। फिर आप साइबर कैफे वाले गए, जहाँ पे इमितर सेंटर राजस्थान जैसे में, तो इमितर सेंटर पे या साइबर कैफे वाले जहाँ पे आप जो वर्ड यूज़ करते हैं उसके पास जाना है, पुलिस वेरिफिकेशन का वहाँ से फॉर्म भरते हैं, वो साइबर कैफे वाला आपका फॉर्म भरेगा, तो वो फॉर्म आपको वहाँ से सबमिट कर देना है, वो पुलिस स्टेशन में चला जाएगा। तो साइबर कैफे वाला आपको बता देगा कि आपको पुलिस स्टेशन में कब जाना है, तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाके वो सर्टिफिकेट आप लेके आ सकते हो। हाँ, उसमें 5 से 6 या 7 दिन का टाइम, जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर आए तो ये प्रक्रिया आप शुरू कर देना। तो आप वहाँ जाना, उसे फॉर्म फिलअप कराना, फॉर्म फिलअप कर देगा, उसके बाद में 5 से 6 दिन या 7 दिन का टाइम लेता है, तो आप वो जैसे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जहाँ पर होता है वहाँ पर वो चला जाएगा, वहाँ से वेरीफाइड होके आपका पुलिस स्टेशन में आ जाएगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमारे ऊपर केस चल रहा है, हमारे ऊपर FIR चल रही है, या हमारा इसमें नाम है उसमें नाम है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको कोई भी कोर्ट पनिशमेंट नहीं देता है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस तो मान लो अगर मैं यहाँ पर हूँ, मेरे ऊपर भी कोई डाल देगा मानहानि का, तो केस तो डाल सकता है, उसका अधिकार है, तो लेकिन मैं साबित थोड़ा ना, साबित तो करना पड़ेगा, साबित करने के बाद में मैं गुनहगार हूँ, उसके बाद में अपराधी हूँ, तो दोस्तों उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सर्टिफिकेट आपको पुलिस से ले आना। दूसरा जो सर्टिफिकेट होगा, जैसे वो पुलिस वाला आएगा तो सर्टिफिकेट वो आ जाएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो दूसरा सर्टिफिकेट है दोस्तों उसको आपको जो तहसीलदार है उसके पास जाना होगा, उसके साथ में एक बंदा ऐसा चुनना होगा कि जो तहसीलदार जिनको अच्छे से जाने और आप भी उसको अच्छे से जानो, तो वो वहाँ पर गवाह बनता है। तो जहाँ पर सरपंच होते हैं वहाँ सरपंच प्रधान होता है, वहाँ पर प्रधान, या आप कोई भी गवर्नमेंट पद अधिकारी भी लेके जा सकते हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड का टीचर हो गया या सेकंड ग्रेड का कोई टीचर आपको मिलने वाला, तो उसकी भी सील लगती है वहाँ पर साथ में गवाह के रूप में कि हाँ मैं इसको निजी तौर पर जानता हूँ, ये मतलब इसका कैरेक्टर बिल्कुल सही है ये वो, और वहाँ पर साइन करता है SDM के सामने, फिर SDM आपका साइन करके वेरीफाइड करके देता है। ये हमारी प्रोसेस थी, जो मैंने किया था वो प्रोसेस ये थी। इस बार अब नया रूल में क्या, अगर ये सेम ही प्रोसेस आती है तो इसी को फॉलो करना है दोस्तों, और इस प्रकार से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा, इसमें परेशान होने की बात कुछ भी नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत।